Hey students, welcome to our channel InFocus System. So in this video we will discuss the question paper of class 9th mathematics morning shift. So ये video evening shift वालों के लिए important होने वाली है, as well as morning shift वालों को मैं बताऊंगा कि question कैसे करने थे, ठीक है? तो paper like ठीक था, easy नहीं था, moderate paper था, hard भी नहीं था, इसको moderate बोलेंगे. So एक एक करके हम देखते हैं question में कैसे paper में कैसे question. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू थे जो कि मैंने कल रात में वीडियो डाली थी, उसी के अकॉर्डिंग आए हुए थे क्वेश्चन. अब इसमें दिया हुआ है कि एक शंकु है, लाइक कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट 13 सेंटीमीटर और रेडियस 5 दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, हाइट पूछा था. ठीक है, तो कोन में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कल मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेम कराया था, डिटो वही क्वेश्चन है. देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इसमें से 5 का स्क्वायर 25 माइनस करेंगे 144 आएगा. 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का होता है. सो 12 आंसर सही हो जाएगा. अब इसमें एक क्वाड्रिलेटरल था जो कि हमारा सर्कुलर शेप में था, इसमें एंगल्स दिए हुए थे 4x, 3y, 2x और 15y. तो जो क्रॉस एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180. तो 4 एक सेकेंड, हाँ तो 4x प्लस 2x, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा. तो ये 6x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा. काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 30 आ जाएगी. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है, तो कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखो ये है, ये भी है, ये भी है, बस ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 बहुपद नहीं है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 5 और 7 की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या होगी. तो ये सिंपल एक फॉर्मूला लगा था, जब नीचे वाले सेम होते हैं मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं. सो 8 और ये कितना हो जाएगा, 13. तो 7 की पावर 13 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. दो चरों वाले रैखिक समीकरण AXBY प्लस C के रूप में होता है, जहाँ अब यहाँ पे क्या चीज़ नहीं होगा पॉसिबल, A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0. सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, बट इसमें कंफर्म नहीं, उसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है. फिर यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है, एक ए बी का मध्य बिंदु ए बी लाइन है, उसका मध्य बिंदु सी है, ये ए है, ये बी है और इसका एक मिड पॉइंट है सी, ठीक है. तो तथा सी बी का मध्य बिंदु डी है. अब इसको एक बार दोबारा से बना के देखते हैं. देखो एक हमारा ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु सी है और सी बी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है, बिंदु डी है. तो इसका भी आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा, मैं इसके एक ऑफिशियल आंसर की शेयर करूंगा 6 या 7 6 या 7 बजे के करीब, तो उसमें आप आंसर्स मैच कर लेना. अभी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका पूछा था अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो इन सबको ऐड करो आप, ठीक है. इसको ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा 30 और 30 40 50 60 66 हो जाएगा. 66 को 2 से कर दोगे 33. सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 66 राइट आंसर हो जाएगा. कौन सा बहुपद का शून्यक है, तो कौन से बहुपद का शून्यक 2 है, तो 2 का शून्यक 2 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 है. सो x के, हाँ x इज इक्वल टू 2, इसमें उसे पुट करो, जिसमें भी पुट करने पे x की जगह 0 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर बी को पुट करने पे 0 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. फिर एक समकोण त्रिभुज जिसमें ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान 60 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, ठीक है. अब आते हैं अपने, चलिए तो इंग्लिश में है, हाँ 11 क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें पूछा था इन द गिवन फिगर व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी का रिलेशन क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, टू इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो 2 और 3, देन द लार्जर एंगल विल बी. तो इसको सिंपली 5x इज इक्वल टू 180 आप कर देना, नहीं, हाँ अब इसको काट दो, ये हो जाएगा
थ्री टाइम्स और ये सिक्स टाइम 36, तो 36 को 3 से करोगे आप, 36 इंटू 3 18 6 7 78 राइट आंसर हो जाएगा 70। एक सेकेंड, दोबारा एक बार इंटू कर लो, हमारा आया था 36 इंटू 3 करना है, 36 18 3 3 9 और 1 10 108, 108 आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 108 करेक्ट है। फिर द एरिया, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 द पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, देखो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर और इसको टू 16√3 दिया है, 3 से 3 कट जाएगा और ये सो ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा, 4 4 चुके 16, साइड 16 आ गई, 16 को 3 बार करोगे तो 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विद डायमीटर 2R, डायमीटर 2R दे रखा है तो रेडियस क्या होगा, R होगा। अब किसका पूछा है, स्पेयर का, तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई और R का क्यूब, तो 4/3 R कितना है, R का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर सी ये फॉर्मूला ही बन गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सॉलिड है डैश डायमेंशन, कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं सॉलिड के अंदर। फिर 1 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन, तो आपको 1 और 2 को पुट करना था, जिस पे भी ये सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन वो राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार पुट करके देखते हैं, डी में पुट करके देखते हैं, 3 into 1 हो जाएगा 3 माइनस 4 into 8 और प्लस में 5, सो ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर बार ग्राफ कौन सा होता है, तो बार ग्राफ जो आपका होता है, बार ग्राफ में आपके गैपिंग, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बार ग्राफ में गैपिंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, सो इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, और इसको हम 4 को लिख सकते हैं, 4 का तो एक मिनट, 2 into 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसका भी मैं बाद में आपको आंसर एक बार कंफर्म करवा दूंगा। बाकी ये दोनों छोड़ देते हैं, अब आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे, इसको आपको सिंपली सिंपलीफाई करना था, कैसे नंबर लेने थे जिसको इंटू करने पे 12 आए, तो इसका सिंपल 3 और 4 हो जाता, ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाता। फिर इसको भी सॉल्व करना था, इसका फॉर्मूला यूज़ करके करना था, 100+2 और 100-2, तो ये हो जाता आपका a²-b², 1000 ए का स्क्वायर 10,000-4 हो जाता है, ये आंसर होता आपका। फिर इसका एक आयतचित्र बनाना था जो कि काफ़ी इजी था, इंग्लिश में बताता हूँ आपको, हाँ इसका आपको एक बनाना था हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम आप इजली बना सकते थे। फिर नेक्स्ट 24 है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर कोन इज 8 एंड वॉल्यूम इज 64, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, ये भी आप इसलिए सॉल्व कर सकते थे, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, फॉर्मूला पुट करना था, देखो सिंपल है फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे पुट करते रेडियस दिया हुआ था आपका, यहाँ पे आ गया, हाँ रेडियस दिया हुआ था, सॉरी डायमीटर दिया हुआ था आर, इसका आंसर कर देते 4 रेडियस हो जाता, सो इजीली सॉल्व हो जाता। मैं करके थोड़ा सा दिखाई भी देता हूँ, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 4 into 4 हो जाता और इक्वल में 64, देखो ये पाई से पाई काट ही दो आप, 27 और पाई कट जाएगा 64 बचेगा, 4 से 64 कट जाएगा आपका 16 टाइम्स कट जाएगा, फिर आपका बचा है 21 इंटू हो जाएगा आपका 16 से, तो जो भी आता है आपका हाइट आ जाता। फिर ये भी इजी था, आपका रेशियो दिया हुआ था, आप इजीली इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला रेशियो निकाल सकते थे, कैसे करना था देखो, वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर दिया हुआ था, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से ये कट जाता, पाई से पाई कट जाता, आर क्यूब बचता, तो 64 किसका वो क्यूब क्यूब रूट होता है 4 का होता है और 125 5 का होता है, तो रेडियस इसकी मिल जाती 4 और 5, फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के आप इजीली निकाल सकते थे।
वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी निकाल के। देखो सरफेस एरिया का होता है 4πr² और यहाँ भी 4πr² होता है, ये दोनों कट जाते हैं, आर आर बचता आर का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर हो जाता है, 4 × 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो रेशियो आता है 16:25, 16:25 आता है इसका आंसर। ठीक है, तो होप्स आप समझ गए हो कि इसको कैसे करना था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसमें एक इंग्लिश में आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेसिस ट्रायंगल हुज टू इक्वल साइड मेजर 13 एंड बेस इज 24। सो देखो सिंपल सा है, दो साइड दे रखी थी 13 + 13 + 24, तो 13 + 13 = 26 हो जाते, 26 × 50 हो जाता और इसको 2 से डिवाइड करते 25, तो 25 आपका एस आता। फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके एस एस माइनस ए करके इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालने थे, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए दिया था, तो आपको इसको करना था 2x + 2y - x और इक्वल में 6, 2x में से x गया तो x + 2y और इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन बन जाता, फिर इससे आप 3 सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते थे। बाकी इसको सिंप्लीफाई करना था, इससे इजी क्वेश्चन ऑप्शन वाला था, अगर ये इसका एक क्या फैक्टर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आती, 1 को इसमें पुट करते तो देखो 4 × 1³ क्या होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 3 आएगा और यहाँ से -4 आएगा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा और इक्वल में के, तो के की वैल्यू -3 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर -3 होगा, बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। तो बाकी ये सब प्रूफ करने वाला था, आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते थे। और एक थ्योरम आया था जो कि आपकी बुक से ही है, प्रूफ दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनके भी 6 रैशनल नंबर निकालने थे, इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, मैं बताता हूँ ट्रिक क्या होती है, 2/9 है और 3/7 है, 6 निकालने तो आपको 7 से ऊपर और नीचे 7 से इंटू कर देना था, तो ये आपका हो जाता 14/63 और ये आपका 21/63, तो 15/63 ऐसे करके आपके 7 रैशनल नंबर निकल जाते हैं। बाकी ग्राफ आया था, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने थे, इस 31 में सॉल्यूशन करना था जो कि इजी था। फिर ये आपका फर्स्ट चैप्टर से आया था क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होता है, कुछ भी नहीं था, इन दोनों को रैशनलाइज कर देना था और इसको इसको इंटू भी करना था, आपकी वैल्यू यहाँ से निकल जाती। ठीक है, तो ये आपका पेपर था। बाकी ये 6 चैप्टर से आया था, ट्रायंगल एंगल्स चैप्टर से, जो कि काफ़ी ईजी था, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप इसको भी कर सकते थे। बाकी ये आपके पेपर्स थे, इसके ऑफिशियल आंसर की भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, तो आप आंसर मैच कर देंगे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।